तो गाइज आज हमारे पास है ऑन न्यू अपाची आर टी आर वन सिक्सटी टू हुई तो भी हाल ही में मोटर ने इस बाइक को अपडेट किया था और आज के इस वीडियो में हम आपको इस बाइक का एक डिटेल रिव्यू देने वाले हैं तो ये वाली जो बाइक है वो इंडियन मार्केट में अभी छह कलर में अवेलेबल है और गाइज छे कलर उनकी जो लुक है वो काफी बढ़िया हमें देखने को मिलती है और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले है टीवीएस अपाची आर टी आर वन सिक्सटी टू वी के ग्लोसी ब्लैक कलर का और मेरे को पर्सनली ये वाला जो कलर है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगा और आपको ये वाला कलर कैसा

तो ये तो आपको मैं प्लीज कमेंट करके बताना है बाकी यहाँ आप पर आपको उस बाइक के टैंक पे टीवीएस का थ्री डी लोगो देखने को मिलता है और पर आपको नीचे इंजन क्रॉल देखने को मिलता है और क्रॉल के ऊपर आपको आपको टीवीएस रेसिंग की बैजिंग देखने को मिलती है और इसके अलावा पर आपको उस बाइक में लेग गार्ड भी दिया गा गया है जो की सेफ्टी में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है और यहाँ पर आपको उस बाइक का हॉर्न देखने को मिलता है और अगर बात करें इस बाइक के इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको उस बाइक के अंदर वन फिफ्टी सीसी सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है और यहाँ पर गाय

क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पर काफी प्रीमियम लेदर इस बाइक की सीट में यूज किया गया है और यहाँ पर गाइस दो बंदे इस बाइक में आसानी से बैठ सकते हो और इसके अलावा यहाँ पर आपको काफी बड़े डिजाइन के ग्रैब रेल्स इस बाइक में प्रोवाइड किए गए हैं तो चले गाइस बात करते हैं इस बाइक के रेयर सेक्शन के बारे में तो यहाँ पर गाइस आपको उस बाइक के रेयर में काफी सुंदर एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाते हैं और कुछ इस तरह के आपको उस बाइक में हेरोजन बल्ब इंडिकेटर देखने को मिलते हैं फ्रंट और रेयर में यहाँ पर बात करें इस बाइक के रेयर सस्पेंशन के बारे में तो यहाँ पर गाइस आपको उस बाइक के रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और इस बाइक का जो फ्रेम है वो डिजाइन हुआ है डबल क्रेडल फ्रेम डिजाइन के ऊपर इसके अलावा अगर बात करें इस बाइक के रेयर ब्रेक्स के बारे में तो यहाँ पर गाइस आपको रेयर में टू हंड्रेड एम एम की पेटल टाइप डिस्क ब्रेक दी गई है और अगर आप इसे छोटे वाला वेरियंट इस बाइक का परचेज करते हो तो उसके अंदर आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेगी और यहाँ पर बात करें रेर टायर के बारे में तो यहाँ पर गाइस आपको उस बाइक के रेयर में वन टेन एम एम सेक्शन का टायर देखने को मिलता है और गाइस अगर आप इस बाइक के थोड़े अपर वेरियंट की तरफ स्विच होते हो तो उसके अंदर आपको वन ट्वेंटी एम एम सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा और जैसे की इस बाइक का सेकंड वेरिएंट है तो यहाँ पर गाइस आपको बाइक के अंदर सिंगल चैनल सुपर मोटो एबीएस देखने को मिल जाते हैं जो कि गैस परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छे हैं और ये जो एबीएस है गैस वो आपकी सेफ्टी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं इसके अलावा अगर बात करें इस बाइक के डायमेंशन के बारे में तो जो भी इस बाइक के डायमेंशन है वो गैस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे तो गाइज आपको ये वाली बाइक कैसी लग रही है ये आपको हमें प्लीज कमेंट करके बताना है इसके अलावा अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको मेंशन कर दिया है तो आप वहाँ पर जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस बाइक को काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पर परचेज कर सकते हो और गाइज अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस बाइक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपका तब रिप्लाई कर दूंगा और गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो चले गाइज आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय